इस हफ्ते में लगभग लास्ट के 5 दिनों में हमने कम से कम 16 से 17 केसेस लिए हैं, जिसमें से मोस्टली डॉग्स के केसेस लिए हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा सीवियर वूंड्स रहे हैं। किसी की कान में वूंड है या फिर पैर में है। जामुन आया है वापस, तैमूर आया है वापस, और भी कुछ डॉग्स हैं जो वापस आए हुए हैं। जामुन और तैमूर किस लिए आ गए वापस? जामुन का हर बार का वूंड जो उसको कान में हो जाता है, वो फिर इस बार उसको वूंड हो गया है कान में एंड वो खुद आ गया फिर से। उसको कोई बांध गया था अंदर क्या? वो अंदर घुस गया तब स्पॉट और चंबी से लड़ाई होते थे, तब उन्होंने अंदर बांध दिया उसको। फिर तैमूर आया है क्योंकि उसको इस बार कान में वूंड हो गया है, कीड़े पड़ गए थे सर। एक और क्यूट आपके पास हुआ है ना, जिसका हमें फोन आया था कि बछड़ा है और लेने गए तो वो कुछ और ही निकला था। वो मेरे को कॉल आया कि 15-16 दिन का बछड़ा है लेकिन ये भैंस का बच्चा निकला, ये बैठा है इधर पे, अभी इसको गर्मी लग रही है बहुत। इसकी भी कंघी साहिल ने करी है क्या? नहीं नहीं, ये ऐसे ही है। इसको गीला कर दे पूरा सर, अभी पानी चालू करवाएंगे ना तब इसको। पर इस पे डाल सकते हैं थोड़ा सा? वेट, इसके कान पे ये क्या है? इसको वूंड है ना, एक छोटा सा डॉग बाइट है, तो उसके लिए हमने ARV वगैरह शुरू कर दी है इसकी और मेलोनेक्स वगैरह पेन किलर्स चल रहे हैं। भैंसे हमें रेस्क्यू करने को कम ही मिलते हैं, मतलब भैंसे में नहीं ही मिलते, लोग इन्हें बेच देते हैं, इसके बारे में हम सुनते नहीं हैं। जो भोला भी हमारे पास आया था वो ये, क्योंकि उनके जो मालिक हैं उनका मन नहीं माना कि भाई दूध के लिए उन्होंने पैदा तो करा दिया, अब वो उसको कटने के लिए बेच दें। एक आपके पास वायर ट्रैप केस एक और आया है ना, पार्टिकल जैसा ही सेम केस है। वायर गले में फंसी हुई थी और काफी डीप अंदर तक वुंड हो चुका था ऑलरेडी। ये वायर ऐसा नहीं है ना कि किसी ने कुत्ते को घुमाने के लिए बांध दिया, ये पिक ट्रैप ही था सर। हाँ। हर अपडेट में हम आपको एक आध ऐसे डॉग से मिलवाते हैं भाई जो सुअर के ट्रैप में फंस के उसको इंजरी हो गई, पर जिससे हम आपको नहीं मिलवाते वो सुअर हैं जो उन ट्रैप्स में फंस जाते हैं, क्योंकि भाई हम उन्हीं जानवरों को रेस्क्यू कर पाते हैं जिनको लोग खाते नहीं, और सुअर तो लोग खा जाते हैं। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा अपडेट का फॉर्मेट थोड़ा बदल रहे हैं हम। अभी हम आपको सिर्फ यही बताएंगे कि कौन कौन से केसेस आ रहे हैं और इन केसेस का हुआ क्या, ये हम आपको बताएंगे कल शाम को। दो और जो आपके पास बड़े क्यूट एनिमल्स आए, वो दो बिल्लियां बड़े टाइम बाद आई ना? हाँ सर, वो मेरे रूम पे है। हमारे यहाँ कोई भी बिल्लियां आती हैं वो यहाँ पे नहीं दिखती, वो ज्योति के रूम में रहती हैं। जो हमारा नया अस्पताल बन रहा है उसमें हम एक अलग से कैटरी बना रहे हैं। एक और बच्चा आया था जिसका बड़ा हल्ला मच रहा था, FIR होगी, ये होगी, क्या हुआ? बछड़ा नहीं था वो, एक बड़ी गाय थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे जो पर्सन था वो अपनी गाड़ी चेक करने के लिए उतरा कि गाड़ी को कुछ हुआ तो नहीं है। उसके बाद लोग इकट्ठे हो गए, ये तो तुरंत निकल गए वहाँ से, तो लोगों ने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और उसके बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, तो उन्होंने उनको बुलाया वहाँ पे पता करके। उसके बाद ये बात हुई थी कि अगर ये कोऑपरेट नहीं करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट का खर्चा, इसको यहाँ तक पहुँचाने का खर्चा, पालमपुर ले जाने का खर्चा, वो सब उनको देना पड़ेगा, तब उन पे FIR नहीं होगी, अदरवाइज वो FIR कर देंगे। तो वो ले गए उनको पालमपुर? सर वो ले जाने आए थे लेकिन गाय की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, वो इतना तड़प रही थी कि मैं खुद रिस्क नहीं लेना चाह रही थी उसको वहाँ तक भेज के, क्योंकि रास्ते में बहुत स्ट्रेस में आ जाती, दर्द में थी। तो हमने डॉक्टर हिमांशु से तो चेक करवाया था, उसकी स्पाइन बहुत 3-4 हिस्सों से डैमेज थी ना। तो इसमें तो हो हल्ला कर लें, FIR कर लें, वैसे तो अच्छी बात है, लोगों ने उस पर दबाव डाला भाई अगर आपने किसी जानवर को मारा है तो कम से कम आप उसका इलाज तो करवाइए। गलती हर किसी से होती है पर गलती सुधारना भी तो चाहिए। एक और जो पेनफुल केस था, वो फीमेल डॉग आई हुई थी जिसका डिस्टोशिया हो रखा था। बाय द वे सॉरी, डिस्टोशिया वो रहता है जब अंदर बच्चा पलट जाता है या बच्चे दानी। हिमांशु अच्छे से बता पाएंगे डिस्टोशिया। बच्चा फंसने को डिस्टोशिया बोलते हैं, जब मदर बच्चे को डिलीवर नहीं कर पाती है, जब बच्चे दानी पलट जाती है उसको ट्रांसिशन बोलते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक मेस्टाइटिस वाले केस के बारे में बताया था और अब ये जो डिस्टोशिया वाला केस है, तो ये जो भी डिलीवरी से संबंधित पेचीदगियाँ आती हैं ये सब अवॉइड की जा सकती हैं अगर डॉग्स का स्पे एंड न्यूटर किया जाए। एक आपके पास कोई हीट स्ट्रोक वाला डॉग आया था? हीट स्ट्रोक नहीं था, उसको एक छोटा वूंड था जिसमें ब्लीडिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गई थी। गर्मी इतनी बढ़ रही है, मुझे लगा कि हो सकता है हीट स्ट्रोक हो गया। और एक बड़ी अजीब सी बात है, आपने हाल ही में खबर सुनी होगी, छत्तीसगढ़ का एक जंगल है हसदेव, जहाँ पे करीब 2 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं क्योंकि उसके नीचे बड़ा कोयला है। अब मैं समझ सकता हूँ भाई, कोयला तो इसलिए चाहिए कि भाई बिजली कहाँ से आएगी, और बिजली इसलिए चाहिए कि भाई आज तो मिडिल क्लास आदमी भी पैसा जोड़ के AC लगा लेता है, गर्मी इतनी बढ़ रही है। पर ये एक विशेष साइकिल बन गई है, क्योंकि जब आप 2 लाख पेड़ काटेंगे तो भाई जाहिर सी बात है गर्मी तो बढ़ेगी। अब मेरे पास इसके लिए कोई सुझाव नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये जंगल हम बचा सकते हैं, पर अगर हम अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाएं तो मुझे लगता है कि आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद ऐसे जंगल काटने की नौबत नहीं आएगी। पर उसके लिए आपको और हमें, हम सबको मिलके अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने होंगे।
एक और कोई केस आया ना जिसको लोग भगा रहे थे, कुछ हुआ आपका? ये केस कांगड़ा से आया है, कुछ केयर टेकर्स थे वहाँ पर इसके, लेकिन वो लोग भी इसको हेल्प नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो इनके लैंडलॉर्ड्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो स्मेल की वजह से इसको बिल्कुल भगा दे रहे थे और उनको भी वार्न किया था कि आप इसको छोड़ के आओ कहीं। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है कि जब कोई जानवर या इंसान भी तकलीफ में है तो बजाय इसके कि हम उससे कंसर्न्ड हो कि वो किस दौर से गुजर रहा है, हम इससे कंसर्न्ड होते हैं कि उसका हमारे पे क्या इम्पैक्ट है, हम अपने से ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। एक आपके पास बच्चा आया है जिसका पहले कोई रिश्तेदार आ जी जी जी, उसकी माँ हमने पहले टीवीटी के लिए रेस्क्यू करी थी। कल हम जब माँ को स्पेस सर्जरी के लिए लाने गए तब ये हमारे पास खुद आ गया ना, और इसके कान में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड एक वूंड है। तो ये तो भाई अब हमारा वर्ड ऑफ माउथ से अब केसेस आ रहे हैं, जानवरों को भी पता है कहाँ जाके ट्रीट होना है। पर एक और चीज़ जो वर्ड ऑफ माउथ से हो रही है और जो अच्छी नहीं है, वो ये है कि बहुत से लोग हमसे नाराज़ है। भाई जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग हमें जानते हैं, हमें बहुत सी रेस्क्यू कॉल्स आती हैं, हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा सीमित है। आई थिंक तुम कुछ केसेस तो वापस भी भेज रही हो ना, तो लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि 10 में से 9 लोगों को हमें मना करना पड़ता है, तो अधिकांश लोगों को तो यही लगता है कि भाई पीपल फार्म कुछ काम करता ही नहीं। दिन भर में 7-8 केस हमें कॉल आ रहे हैं जो कि बहुत सीरियस है। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी इनिशियल 7 डेज की ट्रीटमेंट करके लोगों को कन्विंस करें कि सिर्फ आप ऑइंटमेंट और स्प्रे से मैनेज हो जाएगा, तो कर भी रहे हैं हमारी हेल्प। मैडोना वापस आ गई है जो हमारे पास पहले ट्यूमर के लिए आई थी, क्योंकि बहुत ओल्ड है और उस टाइम पे उसके प्लेटलेट्स भी डाउन थे, ब्लड लेवल डाउन था, तो हमने उसको वापस केयर के लिए उसके केयर टेकर के पास छोड़ा। अभी वो खाना बंद कर चुकी थी तो हमने उसको वापस ट्यूमर टीवीटी नहीं सर, ट्यूमर है उसको, मेमोरी ग्लैंड नीचे के हिस्से में, पेट में, एब्डोमेन में, वहाँ पे ट्यूमर है। ये है दोनों ही कैंसर का फॉर्म है ना जो? हाँ सर। तो इसका अब सर्जरी से रिमूव होगा या ये? सर्जरी होगी सर इसकी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्यूमर है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है, ये श्रिंक नहीं होगा क्योंकि बहुत बढ़ चुका है। तो जैसे टीबीटी होता है जो पीछे ट्यूमर हो जाता है, वो हमेशा विनक्रिस्टीन से ही ठीक होता है या उसकी भी सर्जरी होती है? नहीं, उसका भी डिपेंड करता है वो कौन से लेवल पे है। कई बार जब बर्स्ट हो जाता है तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। एक जो परसों हल्ला कर रहा था, ब्लैक कलर का जो डॉग आया था हमारे पास, क्रुएल्टी केस जी, क्रुएल्टी केस। तो जैसे उसको दरार लगी थी, उसको टांके वगैरह लगाने पड़े? फ्रेश नहीं था मेरे हिसाब से, तो थोड़ा बहुत हील हो चुका था। इतना हल्ला क्यों कर रहा था सर? क्योंकि वो अबैंडन डॉग है, वो पॉटी ट्रेन था। जब शाम को आया तब एकदम लेट आया, अंदर रख दिया था उसे। हमने नेक्स्ट डे जब सुबह उसको निकाला ना वॉक के लिए, तब उसने इतने देर सुसु किया एंड देन शांत होके सो गया बेचारा। मे बी वो रीजन था उसका, तो रात को उसको पी नहीं, पी नहीं करने में। अच्छा, क्योंकि हम रात को ये वाला डोर तो बंद रखते हैं। हाँ, वो ब्रीड डॉग था जी, वो ब्रीड था, वो रिट्रीवर था सर, क्रॉस रिट्रीवर। गोल्डन नहीं होते सर? अब वाइट भी दिखे हैं मुझे, तो ब्लैक भी है। मेरे लिए ये नई बात है कि, क्योंकि मैं तो ब्रीड पे ध्यान नहीं देता कि भाई। नहीं, लेकिन लोग इतना क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं ताकि उनको जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी कलर ये चाहिए, उसके लिए जो ब्रीडिंग होती है ये उसका रिजल्ट है ना सारा। तो 16-17 नए केस यहाँ और 7-8 केस सड़क पे। ज्योति ने मुझे बता दिया, मैंने आपको बता दिया, पर जिस टीम ने ये सब रेस्क्यूज को अंजाम दिया उस पूरी टीम से हम आपको मिलवाएंगे कल, और साथ ही साथ इन सभी केसेस के हम आपको अपडेट भी देंगे। तो मेक श्योर यू आर subscribed.